फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन देखा था, एस्टेरिफिकेशन विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स हमने देखा था कि इस तरीके से बनते हैं कि आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट करवाओ इन एन एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो क्या होता है कि एक एस्टर और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका हमने डिटेल्ड मैकेनिज्म देखा था जो कि चार स्टेप्स के अंदर था। हमने देखा था सबसे पहला स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की किस पॉइंट पे प्रोटोनेशन होगी, जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये प्रोटोनेशन होने के बाद जो सेकेंड स्टेप था हमारे पास वो ये था कि जो अल्कोहल है फिर वो अटैक करता है, अल्कोहल अटैक। थर्ड स्टेप में हमने देखा था कि टोटोमरिज्म या हाइड्रोजन या प्रोटॉन जिसको आप बोलते हो वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में हमने देखा था कि वाटर और प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाते हैं। ये प्रोटॉन वही है जो स्टार्टिंग में पहले स्टेप में अटैच हो गया था, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं और बॉन्डिंग कंप्लीट करके हमारे पास एक एस्टर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। आज जो हमारा रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे वो एसिड अमाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स की प्रिपरेशन है। एसिड अमाइड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है जो RCOOH ये होते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के इस लोकेशन के ऊपर जहाँ पे OH लगा है, अगर आप यहाँ से इस OH को एलिमिनेट करके यहाँ पे अमाइड ग्रुप अटैच कर दो विच इज़ बेसिकली NH2, ठीक है, या अमोनिया का डेरिवेटिव है अमाइड, ठीक है। अमोनिया जो होता है वो होता है ना NH3, तो आप अमोनिया के डेरिवेटिव्स वैसे तो लास्ट चैप्टर के अंदर देख चुके हो जिसमें आपने देखा था कि NH2 के साथ यहाँ पे कोई भी एक चीज़ हो सकती है उसके साथ अटैच्ड। हम इसको हाइड्रोक्सिल अमीन हमने देखा था एक NH2OH अगर हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने हाइड्रोजीन देखा था, अगर आपके पास NH2 से बॉन्डेड विद NH2 हो। फिर हमने फेनाइल हाइड्रोजीन देखा था, फेनाइल हाइड्रोजीन, एंड देन फाइनली हम लोगों ने डायनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजीन। ये अमोनिया डेरिवेटिव्स के जब हमने रिएक्शन देखे थे लास्ट टाइम विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज जो हम बात करने लगे हैं हम सिंपली वही वाली बात फिर से करने लगे हैं कि अगर आप किसी अमोनिया के डेरिवेटिव को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सब्सटीट्यूट कराना चाहते हो हाइड्रोक्सिल की लोकेशन पे, तो ये फिर से वही प्रोसेस है जो आप लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा था। एस्टेरिफिकेशन में भी यही हुआ था ना, और इससे एस्टेरिफिकेशन से जो आपने पहले रिएक्शन देखा था विच वॉज PCl5 एंड SOCl2 का, उनके अंदर भी यही हो रहा था कि एक एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करवा रहे हो, ठीक है, सॉरी नो नॉट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दे आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि हाइड्रोक्सिल की लोकेशन पे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कुछ और। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये आप इमेज देखो, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर से अगर आप हाइड्रोक्सिल रिमूव कर देते हो और वहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप अटैच कर देते हो तो वो एसाइल हैलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है, एसिड हैलाइड्स या एसाइल हैलाइड्स, एसाइल ग्रुप इस ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है, तो इसको आप एसाइल हैलाइड भी बोल सकते हो, ये जो आपके पास अभी स्ट्रक्चर बना। तो एसाइल हैलाइड्स के लिए हमने देखा था यू कुड आइदर यूज थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसमें ये क्लोरो ग्रुप जो है ये हेलोजन प्रोवाइड करता है, या फिर आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज़ कर सकते हो, इसके पांच तरफ को क्लोरीन्स लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी क्लोरीन जो है वो एज अ हेलोजन डोनेट कर सकता है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को। फिर हम लोगों ने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी देख लिया, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट वाला और ये वाला हम लोग अभी तक देख चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एमाइड्स और एनहाइड्राइड्स की फॉर्मेशन है। एमाइड जब आप प्रिपेयर करते हो तो आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, फिलहाल मैं आपको अमोनिया बोल रहा हूँ लेकिन आप अमोनिया के किसी डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। तो होता यह है कि हमारे पास एक एसिड अमाइड बन जाता है, यानी जो भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था उतने ही कार्बन एटम्स के साथ एक एसिड अमाइड बन जाता है और साथ में वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगेन हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप
हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म के अंदर। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, लेट्स कंसिडर जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, दिस कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। आप इसके अंदर क्या डालने की कोशिश कर रहे हो, अमोनिया का कोई डेरिवेटिव, ठीक है, विच इज़ N के साथ तीन चीज़ें अटैच हैं, दो तरफ को हम H लगा देते हैं और तीसरी तरफ हम लोग लगा देते हैं G, जिस तरह हमने पहले भी G कहा था, ये G कोई भी एक ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है, G could be OH, G could be NH2, G could be फेनाइल ग्रुप, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, उसके हिसाब से ये डेरिवेटिव बन जाएगा। और नाइट्रोजन का आपको पता है लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो देर स्टिल अ लोन पेयर। ये पूरा का पूरा अमोनिया के डेरिवेटिव्स की जब आपने लास्ट टाइम रिएक्शंस देखे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अमोनिया इज अ इट एक्ट्स एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इट हैज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को और वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो हम यही करते हैं, वहाँ पे जाके इसको अटैच करवा देते हैं। ये पहला स्टेप, पहले स्टेप का प्रोडक्ट ये बनेगा, एक तरफ OH अभी भी लगा हुआ है, इसके नीचे आके कार्बन के साथ एक इसको हम यूँ कर लेते हैं NH2G। अब आपको पता है वो जो लोन पेयर था अब वो ख़त्म हो गया, वो इसने बेसिकली डोनेट कर दिया है इस कार्बन को, और जब कार्बन को डोनेट किया है तो कार्बन यहाँ से ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो तोड़ देगा, उस वाले से इलेक्ट्रॉन्स ले उसको वापस कर देगा ऑक्सीजन को, और उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप का प्रोडक्ट आपके पास ये बनता है, और पहले स्टेप को आप नाम क्या दोगे, इट इज़ बेसिकली अटैक ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो जो भी आपके पास अमोनिया का डेरिवेटिव है ना वो जाके अटैक करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया था। अब हम स्टेप नंबर बी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। स्टेप बी जो है दैट इज़ प्रोटॉन शिफ्ट या टॉटोमरिज्म जिसको हम पहले बोल रहे थे। इसमें यह होता है कि ये जो NH2 के ऊपर आप देखो कि सॉरी यहाँ पे भी एक स्टेप मैंने बीच में आपको मिस करा दिया, जब यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर था ना, नाइट्रोजन बैलेंस था, ये तीन ही बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन जब इसने एक कार्बन को अपना लोन पेयर दिया था तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी आ गया था, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता नाइट्रोजन के चार बॉन्ड्स हो, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड्स बनाता। अच्छा, अब ये ठीक बना हुआ है। अब प्रोटॉन शिफ्ट में ये होगा कि जो नाइट्रोजन के ऊपर से एक प्रोटॉन है ना, एक हाइड्रोजन, इस एन प्लस का मतलब ये है कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, या आप यूं समझ लो कि ये जो लोन आपको बॉन्ड पेयर नजर आ रहा है ना, बॉन्ड पेयर, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है विद हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन से ये जान छुड़ाना चाह रहा है ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है, ताकि ये बैलेंस अपने आप को स्टेबल कर ले। तो इससे जब जान छुड़वाएगा तो ये एच प्लस की फॉर्म में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा ये, ठीक है, और ये एच प्लस की फॉर्म में प्रोटॉन सेपरेट हो जाएगा और वो प्रोटॉन आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा ओ के ऊपर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ओ के साथ जब अटैच होगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि अब ऑक्सीजन को मजबूरन देना पड़ गया है हाइड्रोजन को बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया और एन एच और जी ये यूं ही आके अटैच हो गए, और ऊपर आपके पास यूं करके एक क्लस्टर सा बन गया है एच और ओ का, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से स्टेप बी रिपीट कर देता हूँ, इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, या आप यूँ कह लो कि प्रोटॉन अपनी लोकेशन चेंज करता है और कहाँ से कहाँ जाता है, नाइट्रोजन से उतर के ऑक्सीजन की तरफ जाता है, ठीक है, ये आपका स्टेप बी हो गया। और फिर इसके बाद है फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर सी। स्टेप सी के अंदर ये होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर एलिमिनेट इस वजह से होगा क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे एक्स्ट्रा अपना उसके साथ चूके बॉन्ड बना लिया है, ये कहते हैं मुझे इलेक्ट्रॉन्स वापस चाहिए, तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जब शिफ्ट होगा तो H2O यूं अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो गया पॉजिटिव, लेकिन अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे,
ठीक है, एंड फाइनली दरमियान में एक डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। एंड यू कैन सी ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच जी। ठीक है, बेसिकली अगर जब कार्बोक्सिलिक एसिड था तो इस लोकेशन पे ओ एच लगा हुआ था और अब ओ एच की जगह पे एन एच जी आके अटैच हो गया। और अगर आप ग्रुप यहाँ पे अगर प्योरली आप अमोनिया का रिएक्शन करवाते तो ये जी भी हाइड्रोजन ही होना था, तो एन एच टू साथ आके लग जाता। ठीक है, तो आपके पास प्योरली एसिड अमाइड इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाता। जब आप अमाइड की बात करते हो तो इट इज एन एच टू ग्रुप। आप अमोनिया के कोई और डेरिवेटिव भी प्रोड्यूस करवा सकते हो यही वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हुए। इस पूरे प्रोसेस को मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, हमने ये बात की, इस दफ़ा हमको एग्जांपल भी साथ लेके चलते हैं। लेट्स कंसीडर फॉर्मिक एसिड एच सी डबल ओ एच। ठीक है, और इसके अंदर हम लेट्स से फेनाइल हाइड्रोक्सिलमीन डालते हैं। हाइड्रोक्सिलमीन होता है एन एच एच ओ एच और ये लोन पेयर। ठीक है, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं फॉर्मिक एसिड का, लेट अस सी के क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल हियर, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव आके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक करेगा। ठीक है, और जब वो उसको अटैक करेगा तो वो उसके साथ आके अटैच हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो योर फाइनल प्रोडक्ट वुड बी, इसको रेड से ही बनाते हैं, एच सी ओ एच तो अभी भी लगा हुआ है, नीचे यहाँ पे आके एन एच ओ एच और H, यू आके ये तीन चीज़ें इसके साथ लग जाएंगी। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और नेगेटिव साइन में प्रोड्यूस हो गया, चेंज हो गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने बेसिकली डोनेट कर दिया अपना एक बॉन्ड लोन पेयर कार्बन को। क्लियर है यहाँ तक, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने देखा था कि प्रोटॉन शिफ्ट होगा, कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, कौन से नाइट्रोजन से कौन से ऑक्सीजन के ऊपर, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना सी डब्ल्यू एच वाला, उस वाले ऑक्सीजन के ऊपर इसने जाना है। और कहाँ से जाएगा, यहाँ से, यहाँ से एक प्रोटॉन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। ये इस वजह से शिफ्ट होगा, असल में उसको शिफ्ट होने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत उसको इस वजह से है क्योंकि नाइट्रोजन ने पहले ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्स्ट्रा डोनेट किया हुआ है इस बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो नाइट्रोजन कहता है मुझे ये वापस कर दो। तो जब हम नाइट्रोजन को यहाँ से ये वापस करेंगे इसका, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो एक अलग आ जाएगा। तो ये हम यूं जब नाइट्रोजन को वापस करेंगे तो अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन H प्लस प्रोटॉन एक प्रोड्यूस होगा, वो प्रोटॉन बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अटैच होने की वजह से ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन ने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में डोनेट कर दिया। अब क्या होगा कि इस प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सॉरी जो बॉन्ड पेयर है ये वाला, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ को, और शिफ्ट होगा तो एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली H2O, और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन यूं करके बैलेंस करेगा। आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा HCOO और साथ में NH OH। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। इसमें अगर आप देखो, इस फाइनल प्रोडक्ट को आप क्या नाम देने की कोशिश हम लोग करते हैं, लेट्स सी ये क्या चीज़ बन गई है। यहाँ पे आपके पास फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है या मेथेनोइक एसिड का, और आगे आपके पास क्या चीज़ लगी हुई है, हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इसका नाम हमने IUPAC स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें आपके पास कोई कार्बन की ऐसा चेन नहीं है और ना ही आपके पास कोई सिंगल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सो लेट्स लीव दिस। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया इस मेथड के थ्रू। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि एमाइड्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। हम लोग एक जनरल
मैंने आपको ओवरव्यू दिया है एमाइड्स के फॉर्मेशन का, जिसमें आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हो विद अमोनिया तो वाटर और एसिड अमाइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर आप यही रिएक्शन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय आप एसिड हैलाइड का करो या एसाइल हैलाइड का रिएक्शन करो विद अमोनिया तो भी आपके पास यही प्रोडक्ट्स बनते हैं, एसिड अमाइड तब भी प्रोड्यूस हो जाता है। या अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन इंस्टेड ऑफ अमोनिया आप लेट्स से अमोनियम कार्बोनेट वगैरह के साथ करवा दो, तो ये फॉर्मूला अमोनियम कार्बोनेट का, तो फिर ये होगा कि वाटर तो प्रोड्यूस होगा ही और एसिड अमाइड तब भी प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी क्योंकि यहाँ पे आपने कार्बोनेट प्रोड्यूस किया यूज़ किया था। कार्बोनेट आप जब भी यूज़ करते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। सो अगर ये जो बीच वाला लिखा है ना एसिड हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन, इसका मैं आपको जो मैकेनिज़म है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये बिल्कुल वही जो हमने पहले वेबसाइट देखी थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की, हम इस वेबसाइट के ऊपर रेफ़र करते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये कैसे रिएक्शन होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये 6 कार्बन्स हैं, ठीक है, और ग्रे कलर में आपको सारे कार्बन्स नज़र आ रहे हैं और ये जो वाइट डॉट्स हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स हैं। तो दिस इज़ बेसिकली C6H6 का डेरिवेटिव है, फेनाइल ग्रुप जिसमें एक हाइड्रोजन रिमूव्ड है और उस हाइड्रोजन की लोकेशन पे क्या लगा हुआ है COOH, ठीक है। वैसे COOH होना चाहिए लेकिन इसने C डबल बॉन्ड O के साथ इंस्टेड ऑफ OH इसने क्लोरो ग्रुप लगाया हुआ है। सो दिस इज इन फैक्ट ये क्या चीज़ इसने बनाई हुई है, इसने C डबल बॉन्ड O के साथ OH और एक तरफ R, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, और अगर इस OH की जगह आप एक हेलो ग्रुप लगा दो तो ये एक एसाइल क्लोराइड कहलाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बेंजीन रिंग इसने लगाई हुई है, ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क है, आर की जगह इसने बेंजीन रिंग लगाई हुई है, ठीक है। तो लेट अस सी कि अगर इसका आप रिएक्शन करवाते हो अमोनिया के साथ तो क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखो कि इसने अमोनिया को NH3, ये आपको नज़र आ रहा है ये NH3 है, ठीक है, और ये दो डॉट्स इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस देखो ये एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसने जाके अटैक किया, इसने अटैक किया उसको, किसको अटैक किया, इसने जाके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को जो कि सी डबल बॉन्ड ओ था, और जब इसने अटैक किया तो उसका डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ऑक्सीजन रेड है यहाँ पे, और अमोनिया के एन पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे, मैंने आपको जो रिएक्शन बताया था उसमें ग्रीन कलर वाली चीज़ जो थी वो OH था, यहाँ पे CL ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ से बड़ा इजीली आपको समझ आ रहा है कि ये किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगा। इसे फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके मैकेनिज्म का। नेक्स्ट स्टेप में ये होता है, इसको भी हम इन अ बिगर पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। प्रोटॉन शिफ्ट, पहले लास्ट टाइम जो आपने देखा था कि NH3 के ऊपर से एक प्रोटॉन शिफ्ट होगा, देखो यहाँ से भी एक प्रोटॉन अब शिफ्ट हो गया, अब दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन इज इन ब्लू, ठीक है, और किस जगह पे जाके शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन जो नेगेटिव था ना उसकी जगह, लेकिन जब आपके पास OH होता था तो यहाँ पे OH के ऊपर आके वो अटैच हो जाता था तो ये OH2 बन जाता था, लेकिन इस केस में ऊपर शिफ्ट हुआ है क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर फाइनल स्टेप में इसके क्या हो रहा है, इस फाइनल स्टेप में इसको भी हम इन अ बिगर पिक्चर देख लेते हैं। ये देखो ये फाइनल स्टेप है, इस स्टेप में एक प्रोटॉन जो है वो सेपरेट हो रहा है, प्रोटॉन सेपरेट हो रहा है, वाटर इसमें पहले ही एलिमिनेट हो चुका हुआ है और ये बॉन्ड्स अपने आपस में कंप्लीट होके सी डबल बॉन्ड ओ रिटेन हो रहा है। और आप देखो कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ CL NH2 ग्रुप आके अटैच हो गया, ठीक है। सो आई होप ये मैकेनिज्म देखने के बाद अब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से SL हैलाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करके एसिड अमाइड्स प्रोड्यूस करते हैं।
आज के लेक्चर का जो दूसरा पार्ट था हमारा वो एनहाइड्राइड्स के बारे में था, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड्स बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एनहाइड्राइड्स ये होता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, RCOOH और RCOOH, अगर आप किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो सिंपली किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो क्या होगा कि यहाँ से एक OH ग्रुप और इसके ऊपर से एक H ग्रुप सेपरेट होके H2O बना देगा, ठीक है। और पीछे हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे और इस चीज़ को हम टेक्निकली एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एनहाइड्राइड है, इसके अंदर से हाइड्रा या वाटर रिमूव हो चुका हुआ है, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोड्यूस हुआ था, इस वजह से हम इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है RCO twice O, ठीक है, यानी RCO और RCO दो तरफ लगे हुए हैं और दरमियान में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके, ठीक है। तो इसको यूं करके आप लिखते हो RCO whole twice O, और ये R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होगा या मेथनोइक एनहाइड्राइड या एथेनोइक या प्रोपेनोइक, जो भी आपने एसिड लिया था ना उसका जो प्रोपेनोइक एसिड होता है ना, लेकिन जब आप उसकी डिहाइड्रेशन कर दोगे तो ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड कहलाएगा। डिहाइड्रेटिक एजेंट जो आप यूज़ करते हो वो इस सिचुएशन में फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड यूज़ करते हो, ठीक है। फॉस्फोरस प्लस 5 ऑक्सीजन माइनस 2, दिस इज P2O5। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट करता है और वाटर को एलिमिनेट कर देता है, रिमूव कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के एक एसिडिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। हम लोगों ने ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे इनके दो किस्म के रिएक्शंस अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन टाइप थी दैट वाज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। वो ऐसे रिएक्शंस होते थे जहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटता था OH का और हमारे पास RCOO- यानी कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस होता था और वो आयन जो है ये एक सॉल्ट प्रोड्यूस कर देता था किसी भी मेटल के साथ, तो हमने इसको सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस कहा था। इसमें हम लोगों ने इन जनरल जो बात की थी कि आप किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा सकते हो या किसी कार्बोनेट के साथ या किसी बाइकार्बोनेट के साथ एंड फाइनली आप किसी मेटल वगैरह के साथ रिएक्ट करके मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरी जो हमने रिएक्शन टाइप देखी है जो आज के लेक्चर में जो डिस्कस हो रहा था वो ये होता है कि इंस्टेड ऑफ ओर एच का बॉन्ड टूटे ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है इस लोकेशन से और यहाँ से बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है कुछ और कोई और ग्रुप और इस तरीके से आप डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस कर सकते हो। हमने इसमें देखा था कि आप हेलो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। फिर हमने देखा था कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप एस्टरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। और फाइनली आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अमाइड ग्रुप यूजिंग अमोनिया, ठीक है। NH2 ग्रुप आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, OH रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इन रिएक्शंस को हमने जिस तरह ऊपर वालों को हमने कहा था ना रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H, इन वाले रिएक्शंस को हमने नाम दिया है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल या OH, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी अब ख़त्म हो गया। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर करना है वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल, यानी ना तो यहाँ से बॉन्ड टूटे ना यहाँ से टूटे। अगर यहाँ से बॉन्ड टूट जाए तो ये हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं और किस किस्म के रिएक्शंस होंगे।